अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शमास किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट बीन्स विद मैक्रोनी। सफ़ेद लोबिया जो होता है ये मेरे पास रखा हुआ है, ये मैक्रोनी के साथ मैं बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी है, क्योंकि व्हाइट बीन्स कोई सिंपल खाना पसंद करता है और कोई नहीं खाना पसंद करता, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के इसे डिफरेंट टेस्ट देने की कोशिश की है मैंने। तो चलिए जी व्यूअर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास व्हाइट बीन्स रखे हुए हैं जो कि मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखे थे, और यहाँ पे मेरे पास बॉयल्ड मैक्रोनी रखे हुए हैं, मैंने बॉयल कर लिया था मैक्रोनी को, और दही रखा हुआ है मेरे पास, 1 प्याली फ्राइड अनियन रखे हुए हैं, आधी प्याली मेरे पास, ये मेरे पास मिक्स मसाला रखा हुआ है, चाट मसाला, धनिया पाउडर, साबित जीरा, और ये मेरे पास जो है हल्दी रखी हुई है, नमक रखा हुआ है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स जाएंगी आज की इस रेसिपी में। तो चलिए जी व्यूअर्स, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमें टमाटर की भी जरूरत पड़ेगी, सॉरी मैं बताना भूल गई। तो चलिए जी व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में लोबिया जो है, व्हाइट बीन्स बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और आजकल की बिजी लाइफ में हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम देगची में खाना बनाए और इतना टाइम लगाए, तो मैं कुकर यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप देगची में भी बना सकते हैं सेम पैटर्न से रेसिपी, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो मैंने कुकर ले लिया है, इसकी फ्लेम ऑन कर दी है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ऑयल रखा हुआ है, इसमें आधी प्याली मैं ऑयल ऐड करूंगी, और जैसे ही हमारा ऑयल मीडियम गर्म होगा फिर आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। चलिए जी व्यूअर्स, ये ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें जीरा, साबित जीरा ऐड करेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, ये जीरा जो मैंने इसमें साबित डाला हुआ था, ये इसे हम थोड़ा सा कड़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्रश टमाटोज 2 अदद रखी हुई है मीडियम साइज की, हम इसे डाल देंगे, और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस डालना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, और नमक हसबे जायका आप ऐड कर दीजिएगा, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास धनिया पाउडर रखा हुआ है, 1 टीस्पून हम इसमें फुल धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और ये चाट मसाला रखा हुआ है मेरे पास, 1.5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। और इन स्पाइसेस के साथ हम अच्छे से ये टमाटर जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। ये 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पाउडर रखा हुआ है, 1/2 टीस्पून वो भी ऐड करूँगी, सॉरी इंग्रेडिएंट्स मैं बताना भूल गई थी। और यहाँ पे मेरे पास फ्राइड अनियन रखे हुए हैं, आधी प्याली वो ऐड करूँगी मैं इसमें। अगर आप चाहें आप घर में फ्राई करके यूज़ फ्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है घर में, आपने टाइम नहीं है आपके पास, तो आप बाहर से जो तैयार फ्राइड अनियन आते हैं आप किसी भी अच्छी कंपनी के लेके वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये 30 से 40 सेकंड के लिए मैंने मज़ीद भून लिया था। अब यहाँ स्टेज पे जो वाइट बीन्स मेरे पास रखे हुए हैं, सफ़ेद लोबिया, 3 से 4 घंटे के लिए आपने लाजमी इसे भिगोना है, कम से कम 2 घंटे के लिए हम वो ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और लोबिया ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 गिलास पानी है, हम वो ऐड कर देंगे, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब मैं इसे कवर करके इसकी सीटियां लगा दूंगी। अब हम इसे 30 से 40 मिनट तक इसे पकाएंगे। चलिए जी व्यूअर्स, ये 40 मिनट हो चुके थे, मैंने 25 मिनट बाद इसे दोबारा से खोल लिया था, पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने 2 ग्लास पानी मज़ीद ऐड कर दिया था, ये आप देख सकते हैं। अब आगे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे मेरे पास मैक्रोनीज रखे हुए हैं बॉयल किए हुए, वो ऐड कर दूंगी 1 प्याली इसमें इस तरीके से, और जो मेरे पास दही 1 प्याली रखा हुआ है ये भी ऐड कर दूंगी, और अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो चाट मसाला मैंने बचा के रखा था 1/2 टीस्पून, ये अभी ऐड करूंगी इसमें, और ये आपने अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देना है, फिर आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। ये बिल्कुल हमारे जो व्हाइट बीन्स विद मैक्रोनी है वो रेडी हो जाएंगे।
चलिए जी व्यूअर्स, ये हमारा व्हाइट लोबिया रेडी हो गया है विद मैक्रोनी। अब थोड़ा सा चाट मसाला मैं स्प्रिंकल करूंगी इस पे और ये बहुत ही मजे का टेस्टी बनता है, क्योंकि रोज रोज तो बंदा घर में स्पेशल डिशेस बना नहीं सकता, तो आप हम ये सिंपल डिशेस को थोड़ा सा स्पेशल टेस्ट दे सकते हैं थोड़ी सी एडिशन थोड़ा सा वो करके, तो आप जरूर आप डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट लुक दे सकते हैं नॉर्मल कैजुअल सी डिशेस को। तो चलिए जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी दे दीजिएगा, साथ में जो बेल का आइकन है आप वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।